पकौड़े बनाने के लिए आधा किलो आलू मैंने लिए हैं और इनको इस तरीके से काट लिया है। और ये कच्चे आलू हैं, उबले हुए नहीं हैं। अभी मैं एक आलू आपको काट के दिखा दूंगी। इस तरीके से स्टिक्स इसकी हमने काट लेनी है, बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, इस तरीके से काट लूँ। नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, या लगभग आधा चम्मच लगेगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्च ले सकते हैं बारीक काट के, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो चम्मच चावल का आटा, इससे क्रंची बनेंगे हमारे पकौड़े। अगर चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। एक चम्मच पुदीना पाउडर है, आप इसकी जगह पे हरा धनिया या हरा पुदीना यूज़ कर सकते हैं बारीक काट के। चाट मसाला है आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, बेकिंग सोडा चौथाई चम्मच, और आधा किलो आलू के हिसाब से 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है। अगर एक किलो आलू है तो 225 ग्राम बेसन आप ले लें। और हम इन सब चीज़ों के अलावा तेल चाहिए हमें डीप फ्राई करने के लिए। एक आलू आपको काट के दिखा देती हूँ। आलू ले लें और थोड़े से लंबे साइज़ के आलू ले लें। ये मेरे पास हल्द्वानी के आलू हैं। इस तरीके से आलू को छील लें और अब इस तरीके से लंबा लेके और गोल गोल इसके स्लाइस, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, इस तरीके से काट लें। ये देखिए इस तरीके के स्लाइस, जैसे चिप्स काटते हैं वैसे काट लें। उसके बाद में जो ये लंबा साइड है, इस साइड से इस तरीके से पतली पतली स्टिक्स हमें काटनी है। ये लंबे तरफ से इस तरीके से काट लेंगे पतली पतली स्लाइस। ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी स्टिक्स हम काट लेंगे। इनको मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि काले ना पड़े, तो आप भी ऐसे ही करें। पानी में डालने से दो फायदे हैं, एक तो काले नहीं पड़ेंगे आलू आपके, और दूसरा इनमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा, तो पकौड़े अच्छे बनेंगे। सबसे पहले अब घोल बनाएंगे। तो एक बाउल में डालेंगे बेसन, चावल का आटा, लगभग आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, सूखा हुआ पुदीना, बेकिंग सोडा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे आलू। आलू का पानी अच्छे से झाड़ लें और अब इसको हाथ से मिक्स करना है, चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ आधा कप डलेगा, और फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके का गाढ़ा घोल हमें बनाना है, ये देखिए, ताकि आप अगर दो चार आलू उठा के कढ़ाई में डालें तो इस तरीके से इकट्ठे रहें। चलिए ये तैयार हो गया। अब तेल गरम करेंगे, अब गैस ऑन कर देंगे और तेल को गरम करना है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए हमारा। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से एक बार चम्मच से मिक्स कर लें या हाथ से। और इस तरीके से जितने बड़े पकौड़े आप बनाना चाहें, मैंने यहाँ पे 4-5 टुकड़े एक बार में लिए हैं और डाल देंगे। इस तरीके से सारे पकौड़े डाल देंगे और इनको एकदम हाई हीट के ऊपर, तेज आंच के ऊपर ही फ्राई करें, ताकि इनके अंदर ज़्यादा तेल ना जाए, और पलटने के बाद इनको अच्छे से ब्राउन होने दें। चलिए पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेंगे। अच्छे से इनका तेल झाड़ के और टिश्यू पेपर पे निकाल लें, और जब भी पकौड़े निकालें तो गैस को एकदम स्लो कर लें, और निकालने के बाद में फिर से गैस को तेज़ करें, और बाकी के पकौड़े भी इसी तरह से डाल लेंगे। लीजिए तैयार हो गए हमारे आलू के पकौड़े, इंजॉय करें सॉस या हरी चटनी के साथ में।